हेलो, नमस्कार। क्या हाल है सभी के? अजीब सा दौर चल रहा है ना, कठिन भी है। इकोनॉमी, काम, ये लॉकडाउन, ये वायरस, ये आपस में एक इतनी दूरी, बहुत अजीब वक्त चल रहा है। और साथ में अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, एक ऐसी घटना हो जाए जो आपको बिल्कुल डरा दे, जो आपको बिल्कुल अंदर से ना एक बिल्कुल खौफ ज़्यादा कर दे, तो और डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है। मैं ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इसका संदर्भ सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मेंटल इलनेस और सुशांत के बारे में, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं उनको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हम सब उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। टीवी के वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने टीवी से निकलकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया अपने लिए, ना सिर्फ बहुत उम्दा कलाकार किए, बल्कि बहुत कलाकार कह रही हूँ, उम्दा किरदार किए, बल्कि बहुत 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 उम्दा प्रोजेक्ट्स किए। जितने उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, मेरे ख्याल से बहुत सारे टीवी एक्टर्स ख्वाब में सोचते हैं कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम रोल है। उन्होंने तो कई सारे किए ऐसे, और इतना हासिल करने के बाद उनका मानसिक रोग कितना उन पे हावी था, मैं ये सोच के भी डरती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उन पे कोई टिप्पणी करूँ, लेकिन हाँ, मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस, मानसिक रोग से गुजर रहे हैं, उसका शिकार हैं। ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। अ चाइल्ड कैन बी मेंटली इल, अ चाइल्ड कैन बी यू नो हिज माइंड कैन बी करप्टेड। दिमाग की परतों में कई बार ऐसी मैल जम जाती है जिसे साफ नहीं किया जाता, वो जमती रहती है, जमती रहती है, और फिर एक खूबसूरत, टैलेंटेड, एक स्किलफुल दिमाग को पूरा मटमैला कर देती है। मानसिक इलनेस यही होती है। बचपन में पता है, हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था, और मेरा बचपन पूरा हॉस्टल में बीता है। लड़कियां रैगिंग करती थी, रात को उठा के बोलती थी, गो गेट अस समथिंग टू ईट, बेग बोरो और स्टील। तब मन करता था जान दे दूं। घर से बहुत प्रेशर आता था कि नंबर लाओ, पढ़ाई करो, वरना जिंदगी में कुछ नहीं होगा, फेलियर हो जाओगे, रिलेटिव्स ये वो, लोगों से कंपैरिजन होता था कि उसको देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, फलाने को देखो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मन करता था जान दे दूं। अभी मैं देख रही हूं कि हर कोई आपस में लड़ रहा है। एक तो कुछ भी होता है यहाँ हमारे देश में, या अच्छी चीज़ होती है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कोई दुर्घटना होती है, कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग आपस में एक ब्लेम गेम करके जो चला गया है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो गुहार लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उसको खूब ट्रैश करते हैं, लड़ते हैं, हेट ब्लेम ये सब शुरू हो जाता है, और हर चीज़ हमारे देश में पॉलिटिकल हो जाती है। कुछ भी हो, किसी के घर में कोई खाना बने तो उसका भी श्रेय या उसका दिस थिंग पॉलिटिक्स हो जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक सेलिब्रिटी, जब एक इतना इंस्पायरिंग, इतना चार्मिंग, इतना खूबसूरत इंसान जब विवश होके, अपने मानसिक रोग से विवश होके, या जो भी रीजन हो से विवश होके अपने प्राण हर लेता है, तो एक अजीब सी लहर, एक संदेश जो जाता है वो बहुत घातक होता है उन लोगों के लिए जो शायद एज पे हैं, जो इतने परेशान हैं, जो बिल्कुल सुसाइड की एज पे हैं, उनके लिए ट्रिगर बन जाता है ये। क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा, इतने महान इंसान ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं।
ये इस बात से मैं बहुत भयभीत हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी बार जीवन में मुझे ये ख्याल आया है कि नहीं यार, नहीं बस। आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बातें कर रहे हैं कि वहां पॉलिटिक्स होती है, और आपको पता है छोटे छोटे सीरियल्स में कितनी पॉलिटिक्स होती है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं बम्बई आई थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, ऑडिशंस दे के सिलेक्ट हुई थी। और मैं बिल्कुल, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेंटली कैसा इंसान को फील होता है। मैं किसी को पुट डाउन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब मैंने अपने शुरुआती कुछ सीरियल्स में एंट्री की थी, तो ऑब्वियसली मैं लीड नहीं प्ले कर रही थी, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स कर रही थी। और आपको पता है, एक सीरियल की हीरोइन अपने आप को रानी समझती है, और वहाँ एक ग्रुपिज्म होता है और एक हायरार्की। मेरे मुंह पे बोला गया है कि देयर इज अ हायरार्की। तो तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। आप दुनिया को कितना बदलने जाएंगे और कितना लड़ेंगे और ब्लेम गेम डालेंगे? जो भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जितनी ट्रेजेडी, जितना भी दुख है, उससे हम सिर्फ ये सीख ले सकते हैं कि हम सबसे पहली बात एक अच्छे इंसान बने, स्ट्रांग बने, हम कोई पॉलिटिक्स ना करें। प्लस हम ये याद रखें कि कोई रात के 3 बजे आपका फोन नहीं उठाएगा दोस्त। सच्चाई तो ये, बहुत खुशकिस्मत होगे कि कोई बिल्कुल जग के उठा ले और बात कर ले आपसे। मैंने एक फिल्म की थी ऑपोजिट जॉन एब्राहम, यूटीवी की फिल्म थी, यूटीवी के ही पार्टनर देवेन खोटे जी ने उसको डायरेक्ट किया था, और वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। ऐसे और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं फिल्मों में जो किए मैंने और वो रिलीज नहीं हुए। तब भी ये लगता था कि यार ये क्या हो गया। ऐसी स्थिति में जब आप इर्द गिर्द देखते हैं कि अरे इसने इतना काम कर लिया, उसने ये कर लिया, तो आपको अपने में ही दोष दिखाई देता है, और फिर ये लगता है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक जीवन जो है ना, बस ये एक जीवन, यही सबसे बहुमूल्य है। लोगों की पॉलिटिक्स, काम मिलना ना मिलना, आपका आज सक्सेसफुल होना, कल लोगों का ये पूछना कि भाई हम नहीं जानते आपको, वो आपकी पहचान नहीं है। आप अगर पढ़ाई में कमजोर हैं, आप उससे बुरे इंसान नहीं हो जाते। आपकी पहचान आपके नंबरों से, या आपके नंबर ऑफ मतलब एग्जाम में कितने नंबर मिल रहे हैं, या आपके सोशल मीडिया पे कितने नंबर हैं, फॉलोअर्स हैं, या आपकी फिल्मों ने कितने नंबर कमाए, या आपके टेलीविजन के टीआरपी में कितने नंबर आए, उससे आपकी वर्थ नहीं है। आपकी वर्थ उस जीवन से है जो आप क्रिएट करते हैं, अपने मन की खुशी से, अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी संतुष्टि से। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल एवरी वन हियर इज दैट प्लीज लव योर सेल्फ, क्योंकि कोई मसीहा किसी को बचाने नहीं आता। आपको सब अपना हीरो खुद बनना पड़ता है। बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर स्टोरी। जो चला गया, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई जीवित रह के गुहार लगाता है, बात करता है, अब उसकी हम नहीं सुनते। हम कहते हैं अरे कोई बच्चा अगर रो रहा है, परेशान हो रहा है, एंगर इश्यूज हैं बच्चे को, तो हम कहते हैं जिद्दी है, इसके चांटे लगाओ। पिट पिट के ही बड़े हुए हैं ना हम सब, है ना। हम ये मिडिल क्लास गांव के बच्चे, हम तो खूब पिटे हैं टीचर्स से भी, पेरेंट्स से भी। तो जिंदगी फेयर नहीं है, और दुनिया बहुत जालिम है हर जगह। मैं ये नहीं कह रही हूँ चेंज होनी होनी नहीं चाहिए। ऑफकोर्स चेंज होनी चाहिए, ऑफकोर्स काइंडनेस होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऑफकोर्स डिविजन नहीं होना चाहिए, मेरिट पे मिलनी चाहिए चीजें। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी के बेटे हो या किसी के कुछ हो, लेकिन हर जगह ये है। मंदिर में भी आपको कनेक्शन लगाना पड़ता है, तब वीआईपी दर्शन होते हैं, वरना 12-12 24-24 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है ना। स्कूल के एडमिशन के लिए डोनेशन से लेकर अप्रोच से लेकर कांटेक्ट लगाओ, तब अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, होता है ना। ये सही नहीं है, लेकिन ये होता है। इन चीजों से, पॉलिटिक्स से, या कुछ लोगों ने, आपको पता है कितनी गंदी बातें मैं और मेरे जैसी बहुत लड़कियां ट्विटर पे देखती हैं, पढ़ती हैं अपने बारे में। आज सुबह मैंने पढ़ा, किसी ने ट्वीट किया था कि अरे
तुम मर जाओ नो वन केयर्स, ये लिखा था किसी ने और मैंने बस उस इंसान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में, कोई नहीं आएगा बचाने। कोई जो लोग कहते हैं ना कि अरे आई विल बी देयर, सब बिजी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि अरे मैंने नहीं उठाया फोन या मैंने बात नहीं की तो ये इंसान शायद कुछ गलत ना कर ले। नो वन थिंग्स लाइक दैट। बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, बी स्ट्रांग, लव योर सेल्फ। अपने से ऊपर किसी को समझना नहीं, अपने ऊपर हावी मत करना किसी को, लेकिन छोटे बड़ों के आगे प्रेम और स्नेह समेत झुकना जरूर है ना, लेकिन घुटने मत टेकना। नेवर गिव अप, नेवर, बिकॉज ये दुनिया वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी जान दे दें। तो प्लीज, कोई भी लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगी कि मैंने ये सारी फीलिंग्स महसूस की है और मैं उसमें से उबर के आई हूँ। कई बार अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, जब तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन उबर के आने की कोशिश करती हूँ। उबर के आइए, क्योंकि कोई और बचाने नहीं आएगा। फाइट फाइट, नेवर गिव अप। और एक चीज और मैं ये कहूंगी कि सुसाइड ना, लोग कहते हैं कि ये मत कहिए कि सुसाइड कमिट किया, क्योंकि कमिट करना क्राइम होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये क्राइम नहीं है जो आपने अपने साथ किया? अपने किसी रोग में घिर कर आप उस रोग को मारिए, खुद को नहीं, उस रोग को मारने की कोशिश कीजिए। हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, मगर इतने सुंदर व्यक्तित्व को ख़त्म कर देना तो एक क्राइम ही हुआ ना। प्लस जो रोते हुए बूढ़े माँ बाप रह गए पीछे, उनको इतना रुलाना क्राइम ही तो हुआ। या जो भाई बहन, जो कभी उनका जीवन नॉर्मल नहीं होगा, वो रोज़ एक डर से उठेंगे कि यार हम में कोई कमी, वो अपने से पूछेंगे कि हम में कमी थी जो हमारा प्रियजन, वो क्राइम नहीं है क्या? जो एक संदेश आप अपनी हत्या करके दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो, जहाँ लोगों को, लोग बस अटकलें लगाते रह जाते हैं, क्या ये सही है? सही नहीं है ना, मत करना ऐसे, मत करना। यू आर नॉट अलोन, एवरीवन इज फाइटिंग मेंटल इलनेस। किसी के दिमाग की परतों में मैल ज्यादा होता है, किसी में कम, बस यही वेरिएंट है कि भाई इंटेंसिटी का फर्क है। फाइट, जस्ट फाइट। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग इस चीज के साथ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो हैव अ हार्ट, मत करो।